भगवती वासुदेवाय। हे मोर प्रिय भगत प्रेमी श्रोता बंधुगण, जय जगन्नाथ। आपण मानू शुभ संध्या। प्राचीनंद चैनल आज सन्धार भागवत चर्चा को पुणी आउ गोटे भागपी आपण मानक श्रद्धार सहित स्वागत जनाऊँ। प्रथम भगवान को प्रणाम जनाई आपण मानक प्रणाम जनाऊँ। आरंभ करवा भागवत को अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँ। भागवत को महान महान पुराण यही भागवत महात्मा पुराण ये किसी कम नुहंती। ये बड़ ये किसी अच्छी आंक भितरे जहाँ कल्पना करवा भाविबा आम पक्षे संभव भी नुहे। तथापि आपण मानक गोटे छोट प्रयास करके आपण मानक शुणा को चेष्टा करुच्ची। जानी मोर के भूल होते ठीक हो मु अलग किसी भाविकी भावनी। ए बही जी लिखी प्रथम तो व्यासदेव कृष्ण देवानाया को संस्कृत लिखी ले। द्वितीय आमर महान आत्मा जी कि पंचसखा मध्य आसी अति बड़ी जगन्नाथ दास भगवान अंश अवतार सी मध्य ओडिया भागवत करके लिखी ले। तापरे से गीत आकार लिखी किंतु एंकु लेख आउ जणे आउ टिके सरल हवापाई से ही माँ कथा ये लिखी आउ जणे महान आत्मा श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र आंकु गल्प आकार आहुरी सरलीकरण करके बुझे आए कौन कहीपर आपण मानक। मु खाली गोटे चेष्टा कर बही आपण मानते पहुँचवाई आउ कि नुहे। मत मो भाई बही देता जहाँकि मत खुशी लगला देखिकी मु भाविली इनको अन्य माने भी किसी जानतु केवल से भाविकी मुझे ये छाड़ी आपण मानक भल लगे जानी। तथापि मु चेष्टा करुच्ची आपण मैने मत गोटे छोट कमेंट देबे लिखे मु भूल करुच्ची कि ठीक करुच्ची जहाँ भी करुच्ची आपण मैंने मत लिखे मत अंत खुशी लगे आपण मैंने मत सा भूल देखिले तो निश्चय भूलटा मोर कहे जहाँफल भूल सुधार चेष्टा करी। आम आज आरंभ करवा भागवत चर्चा को। भागवत चर्चा आम थी कौटी ना आम अच्छे चतुर्थ स्कंदरे अठर अध्याय। आम अठर अध्याय शुणुचे प्रभु प्रभु अंशावतार राजा पृथु ध्रुव वंशरे राजा वेणु पुत्र हिसाब से आठ से कौन करना सब माँ तो सब हजम करदे माँ पृथ्वी गोरु रूप से सबकि हजम करदे खाद्य शस्य किसी ना राजा पृथु जो रागिंट माँ कही तुम्हें बाछुरी बच्चा करके आण जहाँ चाह मो शरीर तुम्हें जहाँ दोहन कर सबकि कहीकि माँ कौन कर बच्चा रूप से मान बाछुरी गाई रूप से ठिया होती मनु को राजा मनु को ठिया कर देखते बाछुरी करपर सब दुहुं गोटे पर गोटे पर जी जहाँ चाहूँ से विभिन्न प्रकार बाछुरी जा पुणी जी जहाँ चाहूँ राक्षस मैंने जहाँ चाहूँ देवता मैंने जहाँ चाहूँ मनीष मैंने जहाँ चाहूँ सबकि माँ को दोहन कला दुहला सब बाहर बाछुरी किए कौ रूप से आसुच्च बाछुरी कि ये तापर आम आरंभ करवा कौन अच्छा आरंभ ये आम छाड़ी ये मानने किए दुंट गंधर्व असुर मैंने विश्वावसु को बाछुरी रूप से विश्वावसु को बाछुरी रूप से बाछुरी कर कमल रूप पात्र संगीत सम्बन्धी माधुर्य और सौंदर्य रूप क्षीर दोहन कले। श्राद्धर अधिष्ठाता पितृगण अर्जमा को बच्चा बनई माटी पात्र श्रद्धारे कव्य रूप दुग्ध दुहिले। शुणिं तो बंधु किए कि प्रकार दुहुं कपिल मुनि को बच्चा कल्पना कर सिद्ध मैने आकाश रूप पात्र अणिमादी सिद्धि सबको और विद्याधर मैने नभरे मैंने आकाशे गमन करवा विद्या दोहन कले। किमपुरुषादी मायावी मैने मयदानव को बच्चा कर अंतर्ध्यान होगा विचित्र रूप धारण करवादी माया विद्या को दुग्ध रूपे दुहले। शुणिंत बंधु माँ पृथ्वी कौन नदे पार्टी जक्ष राक्षस पिशाच मांसाहारी मैने भूतनाथ को बच्चा कर कपाड़ पात्र रुधिरासम दोहन कले। सर्प नाग बिछादी दंशनकारी विषधर प्राणी मैने तक्षक को बाछुरी कर मुख पात्र विष दुहिले। देखले तो बंधु शुणिले आदि मानने तक्षक को भी
बाछुरी करदे आने विष धोले तृणाहारी पशु मैंने वृषभ को बच्चा कर अरण्य रूप पात्र तृण रूप दुग्ध दुहले। ये देखु क्या मैंने तृणाहारी पशु मैंने वृषभ को मानने वृषभ को भी बाछुरी करी माँ ताकर जहाँ दरकार से धोले। बड़ बड़ दात मांसाहारी पशु मैंने सिंह को बच्चा कर शरीर रूप पात्र कंचा मांस और शब रूप क्षीर दोहन कले जी जहाँ चाहूँगी माँ ताकि दौंस पक्षी मैंने पक्षीराज गरुड़ को बच्चा कर कीट पतंगादी चर और फलादि अचर खाद्य दुहले। वृक्ष सब बटवृक्ष को बच्चा कर दुग्ध सम भिन्न भिन्न रस दुहले एवं पर्वत गुड़िक हिमालय को बाछुरी कर निजर शिखर रूप पात्र नाना प्रकार धातु दुहले। पृथ्वी तो सब अभीष्ट वस्तु देला बोली पुणी सेतेबेले से पृथ्वीकर वशीभूत थाए तेणु समस्ते निज निज जाति गोष्ठी श्रेष्ठ को बाछुरी कर भिन्न भिन्न पात्र प्रत्येक अभीष्ट वस्तु मान ताठार दोहन करे। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर पृथ्वी आदि समस्त अन्नभोजी मैंने रूपे भिन्न भिन्न बाछुरी और दोहन पात्र व्यवस्था कर निज निज अन्न रूप दुग्ध पृथ्वी ठार दोहन करे। एणु महाराज पृथ्वी उपर एपरी संतुष्ट हो गले जे प्रसन्न बस हो सर्वकाम दुहा पृथ्वी को निजर स्नेहर पुत्री रूपे स्वीकार करने। परे पृथ्वीदेव निजर धनु अग्रे पर्वत को फटाई समस्त भूमंडल को समतल करदे। प्रजा पिता समान और वृत्तिदाता से महाराज यही समतल भूमि प्रजावर्ग को यथाज्य नवास स्थान मान बांटिदेले। अनेक ग्राम नगर दुर्ग बणुआ और पहाड़िया लोकों पर बासस्थान पशुशाला खणी कृषकों पर योग्य आवासस्थल मान स्थापन कले। पृथ्वी पूर्वर यह भूपृष्ठ नगर ग्रामांदी स्वतंत्र विभाग नथिला। समस्त लोके निजर सुविधा अनुसार जेकोसी स्थान में बास कर आसुले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंसे संगीता वैशिक्ञा चतुर्थ स्कंदे नामाष्टादश अध्याय माने एठी बंधु भगवान कौन कले ना विराम नेले। आम पुणी आउ गोटे भाग में प्रभु को पुणी 19 अध्याय आउ थे प्रभु को आराधना करवा आपण मन को सेतिक बेले पुणी आ गोटे भाग रे एही संध्या रे एही भागवत चर्चा रे आपण मन को आह्वान करबी। आज एठी प्रभु को विराम दे आपण मन को विदाय नै रहौछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।